हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 21 है। आज हम बात करेंगे डीडी एंड चेक के बारे में, साथ में कितनी तरह के चेक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक्स हम बैंक का कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद एनपीए, एनपीए रिकवरी कैसे होती है, 1 लाख से कम रुपए का एनपीए कैसे रिकवर होगा, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो है डीडी एंड चेक के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता चला है इंटरव्यू 19 से स्टार्ट है। किसी का अगर 19 से पहले है, वैसे किसी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ जो है देंगे। बाकी इस वीकेंड तक, सैटरडे संडे तक काफ़ी पार्ट्स आपके हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वीडियो आप लोगों को पता है, जो हमारे इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं उनके लिए ही पूरी है। तो अगर अभी तक आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पे करते ही आप तुरंत लॉग इन कर पाएंगे और सारी वीडियोज़ देख पाएंगे। ये ऐसे पेमेंट का पेज आएगा, यहाँ पर आप नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस डालिएगा, 199 की पेमेंट करिएगा। उसके बाद ऐसे आप इंटरव्यू क्लासेस के सारे वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। इसमें और वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं, 40 45 50 जितने वीडियोस होंगे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है हम वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। ये सारी फुल लेंथ वीडियोस हैं, बाकी फ्री में आपको शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी, ताकि आपको कंटेंट का आइडिया लग पाए। चलिए अब हम देखते हैं डीडी एंड चेक। चेक क्या है? देखिए, चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों एक तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप बता सकते हैं कि चेक जो है वो एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये बात भी तो पूछी जा सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो इस तरह की गारंटी देता है, एक प्रकार की गारंटी देता है कि जो बियरर है, जो धारक है, उसको इस डॉक्यूमेंट के बदले में कुछ मनी मिल जाएगा। कितना? वो उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई होता है। तो देखिए, डीडी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी स्पेसिफाई होता है कि भाई इस पर्सन को इतना रुपए मिल जाएगा जितनी की डीडी बनी हुई है। चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया आपको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो ये गारंटी देता है कि बियरर को या धारक को, जो उस डॉक्यूमेंट का धारक है, उसको जो है एक सम ऑफ मनी मिल जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा, स्पेसिफाइड जो होगा कहां पर, जो उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगा, मेंशनड होगा। तो अब एक बेसिक चीज आती है, आप पूछेंगे सर चेक और डीडी में डिफरेंस क्या है। ये एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग को बेसिक है, बेसिक नॉलेज वहां पर टेस्ट की जाएगी, इसलिए ये पूछा जाएगा। तो देखिए, चेक एंड डीडी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चेक में पैसे मिलने की गारंटी नहीं होती है, बट डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, डीडी में पैसे मिलने की गारंटी होती है। क्योंकि क्योंकि जब एक पर्सन डीडी बनवाते से आप गए, ठीक है, आपने बोला भाई एक है आपकी जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ठीक है, आप गए, आपने बोला कि बैंक से कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के नाम से एक डीडी बना दीजिए, कितने का, 20,000 रुपए का। तो आपका बैंक, सपोज आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप डीडी बनवाने जाएंगे तो आपके अकाउंट से 20,000 रुपए कट जाएगा। 20,000 रुपए कट के कहाँ चला जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रख लेगा और आपको डीडी बना के दे देगा, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा। तो एक प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी हो जाती है कि हाँ, अब पेमेंट हो जाएगा, ये पैसा हमने अपने पास रख लिया है। तो डीडी में पैसे मिलने की गारंटी है, मतलब पैसा बैंक ने पहले ही अपने पास रख लिया है। लेकिन चेक में क्या होता है, चेक में पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। आप किसी को 2 करोड़ रुपए का भी चेक काट के दे दो, ठीक है, लेकिन भैया आपके खाते में पैसे ही नहीं है, तो फिर दूसरे आदमी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो अपने अकाउंट में चेक लगाएगा, चेक क्लियरिंग में जाएगा, चेक रिजेक्ट हो जाएगा, रीजन होगा इनसफिशियंट बैलेंस। लेकिन इस तरह का चेक पैसे मिलने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये इलीगल है करना, ठीक है। आप ऐसा नहीं किसी को भी आप चेक दे दें और वो बाउंस हो जाए, इस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है और होती है, बहुत से केसेस चलते हैं। तो इसलिए फिलहाल लोग जो है किसी लफड़े में जब नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए वो डीडी की डिमांड करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ झंझट नहीं है, गारंटी है कि पैसे मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई चेक और डीडी की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि चेक कितनी तरह के होते हैं। तो चेक देखिए, नंबर वन पहले हम बात करते हैं, नंबर वन होता है बियरर चेक। बियरर चेक एक इस तरह का चेक होता है, मतलब उस चेक का पेमेंट कोई भी ले सकता है, मतलब धारक। बियरर मींस क्या? धारक मतलब कोई भी, जिसके पास वो चेक है वो पेमेंट ले सकता है। आप चेक देखेंगे यहां पर लिखा होता है पे, ठीक है, समथिंग करके यहां पे लिखा होगा टू किसको,
सपोज यहां पर लिखा राकेश, आगे लिखा होता है और बियरर, सम ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहां पे खाता धारक के साइन हो जाते हैं। सपोज ये रमेश ने दिया है चेक, ठीक है, उसके साइन हो गए, उसका अकाउंट नंबर, बाकी चीजें मेंशन होंगी। तो जब आप ऐसा चेक किसी को भर के दे देते हैं तो इस चेक को हम बोलते हैं बियरर चेक। अगर यहाँ पे ये बियरर वर्ड आप काट दें तो फिर ये बियरर चेक नहीं है, लेकिन अगर ये बियरर चेक चेक पे ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, लिखा रहने देते हैं, तो ये बियरर चेक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 1 लाख रुपए दे दो किसे, राकेश को और बियरर या फिर धारक को, मतलब कोई भी जो भी ये चेक लेकर आ रहा है, इवन कोई भी हो, एक बच्चा हो, कोई भी हो, जो भी ये चेक लेकर आ रहा है उसको आप 1 लाख रुपए का पेमेंट दे दो। बैंक क्या करेगी, चेक के पीछे आपके साइन कराएगी, आपका आईडी प्रूफ देख सकती है, वैसे साइन कराएगी और आपको पैसे दे देगी, क्योंकि ये एक बियरर चेक है। तो आप समझ गए, ये होगा आपके बियरर चेक जिसमें कोई भी ले सकता है। अब देखिए नंबर टू, नंबर टू होता है आपका ऑर्डर चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके इंटरव्यू के लिए सारी चीजें। ऑर्डर चेक में क्या होगा, अगर आप किसी ने ऐसे सेम चेक दिया, यहां पर बियरर वर्ड काट दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया ऑर्डर चेक। मतलब जो भी पर्सन है जिसका अकाउंट है वो बैंक को ये आदेश दे रहा है कि भैया सिर्फ राकेश को ये पेमेंट करनी है और किसी को पेमेंट नहीं करनी है। ऐसे केस में बैंक क्या करेगी, बैंक राकेश का आईडी प्रूफ लेगी। अब किसी भी राकेश को पेमेंट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेसिफिक जिसने जो है जिसको इसने चेक दिया है सिर्फ उसी का पेमेंट हो। कोई राकेश लेकर जाता है, अपनी आईडी दिखाएगा और पेमेंट ले सकता है, ठीक है। बियरर चेक समझ गए, ऑर्डर चेक समझ गए, अब हम बात करते हैं क्रॉस्ड चेक। देखिए क्रॉस चेक या स्लैश हम बोले अकाउंट पे ही चेक। अब देखिए सेम ऐसा चेक है, यहां पर अगर चेक देते टाइम 2 लाइनें खींच दी, तो अब ये चेक क्या बन गया, ये चेक बन गया क्रॉस चेक, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे क्रॉस चेक, मतलब अकाउंट पे ही चेक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जिसने चेक दिया है वो ये बोल रहा है कि पैसे सिर्फ राकेश के अकाउंट में जाएंगे, उसको कैश पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्रॉस चेक सबसे सेफ होता है, क्योंकि पैसे अकाउंट में जाते हैं तो पता रहता है किसने पैसे लिए हैं, ठीक है। आपने किसी को ऐसे क्रॉस करके चेक दे दिया, अब बैंकर क्या करेगा, बैंक में जब वो जाएगा वो कहेगा भैया मुझे पैसे चाहिए 1 लाख, बैंकर चेक देखेगा, बोलेगा नहीं, ये पैसा तो आपके अकाउंट में जाएंगे। आपका अकाउंट अगर बैंक में खुला हुआ है,